देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष बाद हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। 2 वर्षों में शक्ल देखने का क्रम चला ही नहीं। माता जी आती हैं हमारे साथ, सायंकाल को पूजा करने में शामिल हो जाती हैं, प्रणाम आते हैं, लेखन वगैरह के काम में मदद करते हैं, बस। बाकी तो कोई जाता था नहीं, हम 2 ही आदमी कभी कभी मिलते रहते हैं। बाकी तो 2 वर्षों में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, शायद मेरा ऐसा ख्याल है किसी से भी साक्षात्कार न हुआ तो एक लोकेश जी से एक बार मिलना हुआ था ज़रूर, बाकी और किसी से नहीं हुआ। तो आज हम मिल रहे हैं आपसे, क्यों मिल रहे हैं? मिलने के लिए मिल रहे हैं, नहीं लोकाचार के लिए नहीं मिल रहे हैं, कुछ विशेष उद्देश्य के लिए मिल रहे हैं, जिससे कि आपका भी समाधान हो जाए और हमारा भी समाधान हो जाए। आपका समाधान क्या है? आपका समाधान ये है, एक ही बात माता जी कहती रही हैं, अमुक जगह क्या है, अमुक जगह क्या है, ये पूछते रहते थे। गुरु जी की तबीयत अच्छी है, इसके पीछे दो बात हो सकती है। एक लोकाचार हो सकता है, कौन साहब कोई आदमी मिलते हैं तो पूछते हैं कौन साहब अच्छे हैं, बाल बच्चे अच्छे हैं, घर वाले अच्छे हैं, घरवाली अच्छी है। एक तो ये लोकाचार हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि वो 2 घटनाएं एक साथ हो गई। एक बच्चा आया था, चाकू से खेल रहा था, तो खेलते खेलते ये लगा गया हमारे हाथ में, तो वो घटना हुई। और उसी घटना के बाद में ही, थोड़े दिन बाद ही, हमारा ये मौन कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। समाप्त हो गया? नहीं, समाप्त नहीं हुआ है अभी, इसलिए बीच बीच में विराम देना भी तो जरूरी होता है। सांस लेने में भी थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं ना, हाँ, तो इसी तरीके से हम ठहर गए, थोड़ी देर के लिए सांस लिए। अब की बार 2 वर्ष बाद मिल लिए, फिर देखेंगे 2 वर्ष बाद मिलना होगा तो फिर मिल लेंगे। इस तरीके से अभी शरीर के बारे में, स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य हमारा बिल्कुल ठीक है। आप चाहें जो चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। गुरु जी के हाथ में, पाँव में, कान में, नाक में कहाँ फ़र्क है? 2 फर्क आ गए हैं। एक तो पहले बातचीत करने के समय पर हम दांत नकली लगाया करते थे, वैसे तो बहुत दिन से ही गिरना शुरू हो गए थे, पर अब 75 साल के होने पर ज़्यादातर दांत गिर गए हैं। बोलना पड़ता नहीं, बातचीत करनी नहीं पड़ती। खाने के लिए अब कुछ ऐसा है नहीं कि जो हमको चबाना पड़े। 3 मुट्ठी माता जी का क्रम है कि 3 मुट्ठी में 1.5 मुट्ठी चावल, 1.5 मुट्ठी दाल लेकर के खिचड़ी पका देती है। 24 घंटे में एक बार हम खाते हैं, तो उसको चबाने की जरूरत नहीं पड़ती। चम्मच से मुंह में रखा और पेट में चला जाता है। दांत हमने निकाल दिए, दांत अब नहीं, ये कमी मालूम पड़ती है आपको। अब हमारे चेहरे को देखिए, आपको इस कमी के अलावा एक और कमी मालूम पड़ेगी। क्या कमी मालूम पड़ेगी? कि वो चाकू के निशान से ये 2 उंगलियां जो हैं ये टेढ़ी हो गई हैं। काम तो करती हैं, ये सब काम तो पूरा हाथ करता है, काम में तो कोई काम में उठाने में धरने में कहीं अर्थ नहीं होता, पर ये टेढ़ी हो गई है क्योंकि चाकू इसी जगह लगा था। तो लगने का परिणाम यह हुआ कि इसकी सीध जैसी ये उंगली सीधी हो जाती है, ऐसी ये उंगली नहीं होती, ये 2 उंगली टेढ़ी हो जाती हैं। इसके सिवाय और कौन सी खराबी है और हमको मालूम नहीं। यहाँ शायद लखनऊ वाले डॉक्टर साहब बैठे होंगे, उनको मालूम होगा। जब यहाँ चाकू लगा था तो इन्होंने एक्सरे लिया था, एक्सरे लेकर के बार बार पलटते रहे। ये तो किसी जवान आदमी का है, बूढ़े का नहीं हो सकता। बूढ़े की हड्डियों में सुराख हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं, इसमें तो कहीं नाम को भी नहीं है। तो मैंने कहा ये जवान का ही है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। किसी ने कह दिया है आपसे कि ये 75 साल के बूढ़े का है, वास्तव में जवान का ही है। कोई और शिकायत है आपको? नहीं, कोई और शिकायत नहीं। हमारा शरीर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शरीर की बात खत्म हो गई। शरीर की बात को फिर आप कहेंगे कि साहब कोई कह रहा था हमसे कि मरेंगे गुरुजी और गुरुजी गद्दी पे हमको बैठा जाएंगे। तो साहब ये कहाँ तक ठीक है भाई। अब दो बातें हैं, मरने को तो अभी ये बात है कि 7 बजे करते पंडित 7 बजे करने 4 वेद का भाष्य किया था और वो 100 वर्ष तक जिए थे। और हमने 4 वेद का भाष्य किया है, 18 पुराणों का किया है। तो हमको 100 वर्ष से कम जीना चाहिए कि ज़्यादा जीना चाहिए। करवे जो थे, करवे 100 वर्ष के होकर के मरे थे। करवे का नाम सुना आपने? पूना के थे, 100 वर्ष के होकर के मरे थे। वे विश्वेश्वरैया 100 वर्ष के होके मरे थे, जो आप कहें तो हम 100 वर्ष जिए तो अब हमें कोई नुकसान नहीं। हमारा क्या नुकसान है? कहाँ सर मुट्ठी चावल कोई नुकसान है? और अगर आपको ये मालूम पड़ता हो, कि नहीं साहब गुरुजी का बैठना ठीक नहीं है। एक आध आदमी इतना व्याकुल हो रहा है, इतना बेचैन हो रहा है कि कब गुरुजी मरे और कब मैं गद्दी पे बैठूँ, कौन सा क्षण आवे और मैं गद्दी पे सवार हो जाऊँ और मुझे ही खुश कर दो कि मैं ही मैनेजर हो गया। तो अगर ये हो तो अब बताओ भाई। फिर एक और तरीका है उसका कि अब कुंभ का मेला आवेगा, हमारे माता जी स्नान करने जाएंगे, हम आगे तुम्हें धकेलते हैं तो कोई माता जी को उठने में दिक्कत नहीं पड़ेगी, हमको तो दिक्कत पड़ेगी। हमको दिक्कत नहीं पड़ेगी, माता जी को पड़ेगी। बस दोनों के दोनों, कुंभ का कुंभ हो गया, गंगा जी का गंगा जी हो गया, तुमसे मिलने का मिलना हो गया। और जिन लोगों की ये इच्छा है कि जल्दी बनाओ, फौरन बनाओ, शिक्षण बनाओ, हम ही बनेंगे मालिक, तीनों लोग के मालिक हम बनेंगे। किसी की ऐसी इच्छा बेचारे गरीब की, उसकी भी इच्छा पूरी हो जाए। कहो तो हम उसकी इच्छा पूरी कर दें, कहो तो हम 100 वर्ष जियो। 100 वर्ष जीने में कोई ऐतराज है नहीं, कोई ऐतराज नहीं है, हमें 100 वर्ष जीने में कोई ऐतराज नहीं। अभी तो केवल 70 साल के हुए हैं, 25 साल बचे हैं अभी तो हमारे। 25 साल तक आप जी लोगे, हम बराबर जी लेंगे। क्यों जी लोगे? आप लोगों को एक बात समझने में गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है? कि आप लोगों ने स्थूल शरीर समझा है हमारा। स्थूल शरीर समझने की वजह से ये दिक्कत पड़ी है। ये आफत सब आफत इस वजह से आ रही है। गुरु जी है कि नहीं, गुरु जी बैठे हैं कि नहीं, गुरु जी ने क्या खाया, गुरु जी कहाँ गए थे, गुरु जी ने कब क्या किया था। ये हमारा स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ने को तो आपको कई चीज़ दिखाई पड़ती है। टोपा दिखाई पड़ता है। ये टोपा गुरु जी का दिमाग है, ले आओ। टोपा दिमाग है तो इसको ले जाओ, बस इसी से लेख लिखा करना, इसी से व्याख्यान दिया करना। गुरु जी का दिमाग ये आ गया। ये टोपा हमारा दिमाग नहीं है। तो ये कुर्ता आपका शरीर है नहीं, ये कुर्ता भी हमारा शरीर नहीं है। ये कुर्ता भी अलग है हमसे और शरीर हमारा अलग है। इसके नीचे रखा हुआ है, वो अपना काम करता है, हम अपना काम करते हैं। हमारा सारा जीवन जो अब तक का व्यतीत हुआ है, 15 वर्ष की तो हम नहीं कहते, लेकिन इसके पीछे के जो काम हुए हैं वो सूक्ष्म शरीर से हुए हैं। सूक्ष्म शरीर से न हुए होते तो जो काम अब तक हुए हैं, पिछले कामों को मैं गिनाने लगूँ तो आपको बेकार समय ख़राब होगा। वो सब काम स्थूल शरीर के नहीं हैं, सूक्ष्म शरीर के हैं वो काम। सूक्ष्म शरीर हमारा अभी भी है और अभी इससे आगे भी है, इससे भी आगे, ये ज़्यादा समर्थ हो जाएगा। ये शरीर शायद ढीला भी पड़ने लगे, क्योंकि उम्र का और समय का सबका ख्याल होता है। ये समय संभव भी है कि ये गलने भी लगे और घिरने भी लगे, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मरेगा सूक्ष्म शरीर आपका नहीं। अभी हमारा स्थूल भी शरीर नहीं मरेगा और सूक्ष्म भी नहीं मरेगा। कारण यह है कि 20 साल जो ये हैं, कौन से, जिसके बारे में हमने ये सन 80 में ये कहा था कि ये सन 2000 तक का समय जो है बड़ा भयंकर समय है। इतना भयंकर समय है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अगर हिंदुस्तान के बारे में ही देखें तो आप पंजाब का देख लीजिए, अभी और देख लेना, कल परसों 16 तारीख आ रही है, 16 तारीख आ रही है। पंजाब का हाल देख लेना, लंका में क्या हो रहा है इसका देख लेना, यहाँ और चारों तरफ क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है उसका देख लेना। हिंदुस्तान के देख लीजिए। हिंदुस्तान से बाहर के अगर आपको अखबार पढ़ने हो तो अखबार पढ़ने की आदत हो आप लोगों को, तो ईरान और इराक में क्या हो रहा है ये देख लेना, लेबनान और इसराइल में क्या हो रहा है ये पढ़ लेना। चैलेंजर गया था और स्टार बार होने की तैयारी चल रही थी, उसकी बाबत आप सुन लेना। चारों ओर से सारे संसार में ऐसा घिरा हुआ है, युद्धों के हिसाब से नहीं, प्रकृति के हिसाब से भी। अभी आप भूले नहीं होंगे, थोड़े दिन हुए हैं यहाँ बंगाल की खाड़ी में तूफान आया था, आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? नहीं पढ़ा। बंगाल की खाड़ी में तूफान आया था और दक्षिण भारत में कितना नुकसान हुआ। अभी अभी कल अखबार में मैंने पढ़ा था, इंदौर के आसपास ओले पड़े 100 गाँव में। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये देखकर क्या आश्चर्य होता है। ये ओले पड़ने का महीना है, ये वसंत का महीना है, बसंत का महीना है। ये प्रकृति भी ऐसी बागी हो गई है कि चाहे मैस्को हो, चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे कोई हो, कहीं न कहीं कोई न कोई उपद्रव ऐसा खड़ा हो जाता है कि ये मालूम पड़ता है कि मनुष्य जाति संकट से घिरी हुई है। आप सही मानिए, मनुष्य जाति अभी भी संकट से घिरी हुई है। संकट से छुट्टी मिल गई नहीं, अभी छुट्टी नहीं मिली। हिंदुस्तान को छुट्टी मिल गई नहीं, अभी हिंदुस्तान को छुट्टी नहीं मिली। हिंदुस्तान को हो भाई पापड़ बेलने पड़ेंगे, और पापड़ बेलने वाली मुसीबतें अभी विद्यमान हैं। संसार के सामने मुसीबतें हैं वो भी विद्यमान हैं, और आपके व्यक्तिगत जीवन में जो मुसीबतें हैं वो भी विद्यमान हैं। अब भूलना मत। तब क्या करना पड़ेगा? तब हमको दो काम करने पड़ेंगे। इसीलिए 5 हिस्सों में अपने आप को बांटना चाहते थे, पर अभी 2 ही वर्ष हुए हैं, इसलिए 2 हिस्सों में हम बांट सकें। एक हिस्सा हमारा वो है कि जो कि हमारा एक छोटा सा कुटुंब है, बहुत छोटा सा। कितना बड़ा है? हिंदुस्तान का नक्शा तो आपने देखा होगा ना। हिंदुस्तान में एक कानपुर शहर देखा है? कानपुर शहर देखा नहीं देखा। कानपुर शहर का नक्शा हिंदुस्तान के नक्शे में, कानपुर शहर बहुत छोटा सा है। 24 लाख की आबादी है, और हमारे सारे का सारा गायत्री परिवार कितना बड़ा है? 24 लाख। तो कितना बड़ा हुआ सब बताइए, कानपुर की बराबर हुआ कितना बताएं आप? सब हमारा जो कुछ भी नाम जानते हैं कि साहब ये आचार्य जी हैं, ये गुरु जी हैं, सब कुल मिला करके हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर सब मिला करके कुल इतने आदमी हैं जितने आदमी कानपुर में रहते हैं। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, पाले हैं हमने, ये हमारे अंडे हैं और बच्चे हैं। ये चलने लायक हो गए? नहीं, चलने लायक नहीं हुए। अभी किसी किसी को चलना सिखाया है, कोई साइकिल पर पैर चला करता था, अब हमने हवाई जहाज में बैठ के चलना सिखा दिया। तो अभी सिखा रहे हैं बच्चों को, सबको। तो आप इन बच्चों को छोड़ेंगे नहीं, बच्चे को संभालना है। अब बच्चों को छोड़ेंगे तो बदनामी तो हमारी है ना। हमारा बच्चा बागी हो जाए, तो हमारा बच्चा ख़राब हो जाए, तो आखिर समझदारी तो हमारी है ना, जिम्मेदारी तो हमारी है ना। एक काम तो हमारे जिम्मे वो है जो अभी हमको करना है। एक शरीर से हम ये काम करेंगे। आप संभाल लोगे? संभाल लेंगे बाबा, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के कितने बड़े संभालते हैं। यूपी गवर्नमेंट है। यूपी गवर्नमेंट कानपुर जैसे कितने 52 जिले हैं, 52 जिलों का सबका काम एक यूपी गवर्नमेंट संभाल सकती है। तो हमारे बूथ एक शहर नहीं संभलेगा। कानपुर की बराबर की जनसंख्या को इसको हम देखभाल नहीं कर सकेंगे। आपको हमको सबको ध्यान में रखना है। आप में से प्रत्येक की परिस्थिति के बारे में हमको ध्यान रखना है कि आपकी प्रत्येक की परिस्थिति इस लायक होनी चाहिए कि आप अपने पैरों पर भी खड़े होने लायक हो जाएं, उठने लायक भी खड़े हो जाएं, चलने लायक भी हो जाएं। और एक और बात भी हो जाए कि कोई आपसे ये पूछने लगे कि आप किससे संबंधित हैं, कौन आदमी था ऐसा, तो फिर आप हमारा नाम लें तो हमें भी खुशी हो, और हम आपका नाम लें। कौन कौन है साहब बताइए, ये फलाने आदमी हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम मित्तल जी है, ये फलाने जी हैं, ये अमुक है, ये तो मुक्का है। ये सबके नाम याद रहें तो हमको भी अच्छा लगे कि ये फल रहे हैं, फूल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। किसी की मुसीबत होती है तो आपको याद आता है, हमको आता है कि छोकरा बम्बई वाला है, लेकिन मैं अभी किसी मुसीबत में आ गया। अब ख्याल हमारा ख्याल है, हम पूरा करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है। इसका जो नुकसान है उसको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी, हम कर देंगे, कहीं से कर देंगे। तो ये इस तरीके से कोई हारी है, कोई बीमारी है, कोई दुखी है, कोई बेचारे का क्या बात है, कोई क्या बात नहीं है, कोई ये सामान्य बातें हैं, ये सबको लगी रहती है। सर्वसाधारण के जिम्मे यही शिकायतें हैं, हमारा शरीर काम नहीं करता, हमारा पेट काम नहीं करता, हमारे घर में औरत से लड़ाई होती है, मुकदमेबाजी लग गई, हमारी चोरी हो गई, हमारा पुराना काम हो गया, हमारा दुकाना व्यापार में घाटा चला गया, अब यही काम लगे रहते हैं। तो ये काम बुरे लगते हैं। और बुरे क्या लगेंगे, बच्चे का कपड़ा महंगा हो गया है, धोएंगे नहीं, बच्चे ने टट्टी कर दिया, धोएंगे नहीं, बच्चा गुब्बारा मांगता है, गुब्बारा दीजिए, गुब्बारा देंगे नहीं, टॉफी चाहिए हमको, टॉफी देंगे नहीं। अरे साहब गुरु जी देखो, कहाँ आप और कहाँ वेदों के लिखने वाले और कहाँ गुब्बारा और टॉफी। गुब्बारे वाले को आप ही चिल्ला रहे थे, गुब्बारे वाले खड़े हो जाना, खड़ा हो गया, क्या बात है, तो गुब्बारे देना, तो गुब्बारे दे दिए, दोनों बच्चों के हाथ में थमा दिए। तो साहब ये क्या बात रही, ये तो गुरु जी हैं, आचार्य जी हैं, और ये गुब्बारा खरीदते फिरते हैं, ये देखो गुब्बारा लिया और दो बच्चों के हाथ में दे दिया। ये भी हमारा काम है, क्योंकि ये माँ हैं और हम बाप हैं, देव जी हम नहीं हैं कि हम अपने पिता के पेट में से पैदा होते हुए सन्यासी हो गए। हम सन्यासी नहीं हुए हैं, हम माँ और पिता हैं। माँ और पिता को बच्चों का बराबर ख्याल रहता है, हमको आपका बराबर ख्याल है, कोई ऐसा नहीं है कि जिसका ख्याल हमको ना हो। वैसे कोई हम अभी भी ग्रस्त हैं। देखो ये खद्दर की के धोती हमने 15 वर्ष की उम्र से पहनी थी, और यही धोती हमारे पास, और ये कुर्ता 15 वर्ष की उम्र से पहले पहना था। कभी कांग्रेस में रहे, कभी कहाँ गए, कभी कहाँ गए, पर यही कुर्ता रहा हमारे हाथ में। कुर्ता आपने बदला ना, हमने नहीं बदला। माँ बाप हैं तो माँ बाप के मन में बात्सल्य होता है कि नहीं होता। चिड़िया को अपने बच्चे के बारे में बात्सल्य होता है कि नहीं होता। बिल्ली को अपने बच्चों के बारे में बात्सल्य होता है कि नहीं होता। बिल्ली मुँह में ले जाती है बच्चे को और सारे मोहल्ले में घुमा के लाती है, दिखा लाती है। तो ये कहा जाना चाहिए, जब बात्सल्य बिल्ली में होता है, कुत्ते में होता है, तो हाँ, हम तो बिल्ली कुत्ते नहीं, बात्सल्य हमारे अंदर बात्सल्य है। तो आपकी सांसारिक कामनाओं के लिए कभी कभी हम कहते ज़रूर रहते हैं कि अरे यार क्या झगड़ा ले आए हो, कोई राम के नाम की बात करो, कोई भगवान की बात करो, कहते हैं। और आप मन से कहते हैं कि जबान से कहते हैं। मन से आपका दुख हमारा दुख, आपका कष्ट हमारा कष्ट, आपकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, आपका सुख भगवान करे आपका ही रहे। आपका सुख भी हमको मिलता है, आपका सुख हमको क्या मिलेगा। आप संग हैं और आपका चेहरा हंसता हुआ दिखता है, बस हो गया, कुछ और चाहिए नहीं, कुछ और नहीं चाहिए। ये साहब हमने तो ये सुना है कि 60,000 रुपये लेकर के आता है जो कोई गुरु जी के दर्शन करते हैं, तो 60-60 लाख रुपये जब मिलने लगेंगे तो आप सबको बांटना शुरू कर देंगे। फिर क्या अटका, सबसे मना करेंगे भाई नौकरी करा मत, सब नौकरी बंद कर दो, कोई खेती मत करो। गुरु जी को एक चौराहे पे बिठा दो, तो जो कोई आवेगा पैर छूबेगा 60,000, फिर पैर छूबेगा 60,000, शाम तक कितने हो जाएंगे, शाम तक 500 आदमी हो गए, तो 500 आदमी के 60,000 से कितने हो गए, ये हो गए। और हमारे पास कोई 24 लाख आदमी है, एक आदमी के पास मनियाटर 1-1 लाख रुपये महीने का विद्या करेंगे, सबको सब मालूमाल हो जाएंगे, सब धनी हो जाएंगे। नहीं बिठा दीजिए, ये बात नहीं, तुम हमारे प्यारे हो, हमारे बच्चे हो, अमुक हो तमुक हो। कोई कहता है इनने अपने जमाई को दे दिया, अच्छा हमारे कितने जमाई हैं, हमारे बहुत जमाई हैं, खड़े यह क्या, ये मेजर खड़े हुआ, ये मेजर खड़े है, मिलिट्री में मेजर साहब, ये जमाई है हमारा। अच्छा वो क्या नाम है, केपी वर्मा है क्या, कहाँ खड़ा है, ये देखो जमाई है हमारा। अच्छा सब मालिश को दे दिया, सब मालिश ही जब कोई किसी। स्वामी दिव्यानंद है क्या, जीवन है क्या, नहीं है, अच्छा तुम जमाई हो के नहीं है हमारे? नहीं है, है पहले पहले जमाई बन जाते तो अब 20-20 लाख रुपए से मैं बदमाश कहीं। ये लड़कों ये बार बार ये भी चलती रहती हैं तो गुस्सा आता है हमको, गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी, पर कितनी देर के लिए आता है? क्षणों के लिए आता है, सेकंडों के लिए आता है, मिनटों के लिए आता है, ज़्यादा देर के लिए गुस्सा नहीं आता हमको। इसलिए हमारे जिंदा मरने की तो बात ये बात है कि अगर तुम्हें मरने की हो या गुरुजी मर जाए जल्दी तो फायदा ही है, तुम ऐसे कौन कौन को लाभ है? सब हाथ उठा लोगे हमको बहुत जल्दी लाभ है, तो हम कुंभ के मेले पर जाएंगे, उसको है शिव से तीर्थ का गाना अच्छा है, शिव से तीर्थ चलेंगे, गंगा जी नहाने के लिए डूबकी मार देंगे, फिर हो जाएगा गंगा जी में बह गए गुरु जी। और फिर जैसे किसी को कितने जमाई हैं हमारे? 7 जमाई तो वो हैं जो कि स्त्री हैं हमारे। अच्छा और जो बिना टट्टी तुम सब तुम कौन हो? जब जमाई हो तुम, जमाई नहीं हो तुम्हारे वो कौन होते हैं? भांजे, तुम भांजे हो हमारे और जमाई हैं 7। तो ये सातों के पास संपत्ति है और उसके पास संपत्ति है, जिस किसी को संपत्ति की पड़ी हो जल्दी तो भाई हम ये करें अभी, और तुम्हें ये ख्याल हो कि नहीं अभी गुरु जी की ज़रूरत है और अभी तो रहना चाहिए, हमारे बेखत पर काम आएंगे। तो पर हमारा मन तो अभी यही है कि हम 100 वर्ष जिए, क्योंकि जीवेम सर्दशतम सुनयाम सर्दशतम, 100 वर्ष हम जीवें। 100 वर्ष की जीने की अगर हमारी इच्छा है तो कोई ज्ञान मुनासिब तो नहीं है, जन्मना से बहुत बता था ना भाई, तो अपने हम जल्दी कर लेंगे। मरने में क्या देर लगती है? जीने में देर लगती है, मरने में तो कुछ देर नहीं लगती। इसीलिए जो ये है हमारे बारे में तो कुछ समझना मत। अभी हमने 2 हिस्से किए हैं, एक हिस्से तुम्हारा इसमें हिस्सा है, 24 साल रहा आदमियों का। क्यों? तो हमने पानी लगाया है, हमने खाद लगाया है, सींचा है, उठाया है, तो ये इसका कुछ हो तो तुम ख्याल मत करना, फिर हम जिंदा है। और यो को तुम जिंदा नहीं रहेंगे फिर कैसे मत करोगे हमारी? तो भी मदद करेंगे हमारी। हमारा सूक्ष्म शरीर में 2 वर्ष में शुद्धि कोई और तो नहीं आई है, पर इतनी एक शुद्धि आपको बता सकते हैं कि जब कभी आपको इस बात की इच्छा हो कि गुरु जी से संपर्क मिलाना है, बात करनी है, कुछ हमसे कहना है, उनसे सलाह करना है, तो एक काम करना, 10 सांस लेना लंबी लंबी, और 10 सांस लेने के बाद में पेट खाली कर देना। पेट खाली करने से क्या हो जाएगा कि तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि हमारे पेट में जो कुछ था हमने निकाल दिया। सिर पर 10 बार हाथ कराना, ये मानना कि हमारे विचार जो थे वो सब चले गए। ये रविवार का दिन करा तो आप ज़्यादा अच्छा, रविवार दिन मुझे सौदा करा था, रविवार के दिन फिर ये कहना कि हमारे दिमाग में जो कुछ विचार आ रहे हैं हमारे गुरु जी के विचार आ रहे हैं, बस ये मान लेना। ये संपर्क का सबसे सस्ता टेलीफोन, इससे कोई सस्ता बन नहीं सकता, इससे सस्ता कोई टंकॉल बन नहीं सकता, इससे सस्ता कोई क्या नाम है ये जो होता है क्या कहते हैं ये वायरलेस, इससे सस्ता मिल नहीं सकता, ये सबसे सस्ता है। अब आपको बार बार आने की जाने की ज़रूरत नहीं है, जो जाएँ भी आएँ भी तो इसका इन्हीं से मिल जाना माता जी से। माता जी और हम दो हैं, नहीं दो नहीं मालूम पड़ता है। अर्ध नारी नटेश्वर का की छवि एक देखी थी हमने कि जिसमें शंकर जी जो थे आधे शंकर जी थे और पार्वती जी आधे थे। हम और दो का वास्तव में इसी तरह का हो गया, हम दोनों में भिन्नता रह गई है, नहीं भिन्नता नहीं, हृदय में भिन्नता रह गई है, न वाणी में भिन्नता रह गई है, न मन में भिन्नता रह गई है, न कहीं भिन्नता रह गई है। गुरु जी से कभी आप मिल लें या प्रणाम कर लें तो आप ये मान लेना गुरु जी को प्रणाम कर लिया, माता जी को प्रणाम करना, गुरु जी को प्रणाम करना, गुरु जी को प्रणाम करना, गायत्री माता को प्रणाम करना। सो आप ये मान के चल लेना। अभी हम आपको प्रणाम करेंगे, नहीं बेटा आप क्या करोगे प्रणाम को, छुओ माता हमको, छूने से अच्छे हम भंगी नहीं बेटा, भंगी नहीं, बच्चे हमारे। पर हाँ हमारी स्थिति ऐसी है कि तुम सब लोग यहाँ पकड़ोगे, यहाँ हाथ दोगे, यहाँ कमर दबाओगे, यहाँ जी करोगे, यहाँ दबाओगे, तो फिर ज़रा हमने जो कमाया है उसमें दिक्कत पड़ेगी, उसमें कहीं कमी आ जाएगी। इसलिए छूने छाने का ज़्यादा प्रणाम करने का तो मत रखना, वहीं से जो जोड़े रहना हमको हाथ। पर संक्षेप में एक बात तो हम आपको ये कहने वाले थे कि हम आपकी सेवा करते रहेंगे और मुसीबत के वक्त में ख़ास तौर से करेंगे। आपको एक्सीडेंट हो जाए, भगवान न करे साइकिल से, तो हम आपको सफाखाने पहुंचाएंगे कि अपना खाना खाएंगे नहीं, हम खाना फेंक देंगे, चाय फेंक देंगे और ससुर से पहले आप कंधे पर रख करके अस्पताल पहुंचाएंगे और आपकी टेक करेंगे। ये हमारा काम है। हम आपकी सेवा करना, आपकी सहायता करना, आपको ऊंचा उठाना, आपको आगे बढ़ाना, ये हमारा काम है और हम करते ही रहेंगे। जब से हमने संभाला है होश उस समय से किया है और आगे तक हमेशा ही करते रहेंगे आपके लिए। ये एक बात नहीं, ये हम आपको विश्वास दिलाए जाते हैं और यकीन दिलाए जाते हैं। गुरुजी से आपको लाभ ही मिलेगा, गुरुजी से कोई जोखिम नहीं है, गुरुजी से कोई जोखिम नहीं है आपको, गुरुजी से आपको लाभ ही लाभ सारी ज़िंदगी भर। ये लाभ का यकीन और आश्वासन आप में से हम हर आदमी को देते हैं। जितने भी आदमी खड़े हुए हैं यहाँ, जो हमारे या जो हमारे दिमाग में घूमते हैं, दिमाग में ये कितने हैं, 24 लाख में नहीं, ये कहाँ, ये 24,000 में नहीं, तो बस इतने होंगे, इससे तो बड़ी संख्या है हमारी। तो वो हमने अपना आधा शरीर इनकी देखभाल के लिए रखा है, इनकी सुरक्षा के लिए रखा है, इनको ऊंचा उठाने के लिए रखा है, इनकी मुसीबत में सहायता करने के लिए रखा है, इनकी संपन्नता, समृद्धि, विद्या, योग्यता और ज्ञान बढ़ाने के लिए रखा है, इनको हर एक को रखा है। तो साहब उसकी आप क्यों करते हैं? वो जो था बच्चा, वो तो गाली दे रहा था, अरे गाली दे रहा था तो बच्चा ही था हमारा, काट खाया था तूने, आपको उठाया था, सो उठा करके ले दे के चल रहे थे, तो उसने काट खाया तो क्या, चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, समझाऊँगा कि ये माँ का दूध है इसलिए काट खाया बाबा, हमें तो काटेगा, हम तो गोदी में खिलाते हैं, ऐसे ही काट खाया बाबा, ये समझाऊँगा कोई। इसीलिए एक व्याख्यान का आज का हमारा हिस्सा ये है, कोई भी किसी को भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, किसी को भी आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये सन 2000 के सन है, इसमें अभी तो कोई ऐसी आपको मुसीबत भी नहीं है, लेकिन इस बीच में मुसीबतों के समय रहे हैं, आएंगे, विस्फोट भी आ सकते हैं, भूकंप भी आ सकते हैं, कोई जैसे 100 गाँव में ओला वर्षा हुई और बिजली गिरी है, क्या आदमी बिजली से मारे गए और क्या आदमी उससे हो गए, ये इंदौर में घटना हुई अभी कल परसों की बात। इस तरह की घटना है आपके जीवन में ना आए ऐसी बात नहीं, उसमें उसके लिए हमारी आपको सहायता, हमारी आपकी सेवा, हमारा आपको प्यार, हम जो कुछ भी हमारे पास पुण्य का संग्रह कुछ है तो हम आपको सहायता करेंगे। एक वचन ये देने आए हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों को ऊंचा उठाएंगे। बच्चा होता है छोटा, मेला देखने का मन होता है कि हमको मेला दिखा दीजिए, मेला बेचारा बच्चा कैसे देखे, उसको पहले गोदी में उठाते हैं, तो प्रभु कहता है मेरा अभी तो नहीं दिखाई पड़ता हमको, अभी नहीं दिखाई पड़ता, तो कंधे पे बिठा लेते हैं। अरे साहब ये तो बच्चा है, इसमें आप कंधे पर बिठाते हैं, आप तो इतने बड़े आदमी हैं और बच्चे को आप कंधे पे लगाए बैठा रहे हो, ये हमारा बच्चा है, इसीलिए तुमको ऊँचा उठाएंगे। अपनी बराबर ऊँचा उठाने के लिए, अपनी बराबरी करने के लिए हमारे मन में बड़ी गुंजाइश है, हमारा कलेजा बड़ा चौड़ा है। क्या चीज़ चौड़ी है आपकी? हमारा कलेजा, जिसको हृदय कहते हैं, और बहुत चौड़ा, सब चीज़ कम है। पाँव हाथ तो ऐसे ही अभी इसमें झुर्रियाँ पड़ी हैं और तो कुछ नहीं देख पड़ा है, कहाँ हो गया है चेहरे में झुर्रियाँ, शीशा नहीं देगा, मैं झुर्री पड़ेगी नहीं पड़ेगी, चेहरे में झुर्री पड़ गई, पर एक चीज़ में कमी नहीं आएगी, खुराक में भी कमी हो गई। अभी उन्होंने 3 मुट्ठी चावल का उसका खिचड़ी का सिलसिला डाल दिया है, तो पेट ने उसने ही अपने आप को सकोड़ लिया है और उसने में प्रसन्न हो जाता है, 24 घंटे काम दे जाता है। फिर आप फल खाते हैं, फलों का रस पीते हैं, अगले जन्म में पिए। अगले जन्म पहला भी लिया था तो जौ की रोटी हमने खाई थी, जौ की रोटी भी चले थे, 3rd क्लास में सफ़र किए हमने। सारी ज़िंदगी भर में 2 ही आदमी ऐसे हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी भर में सफ़र 3rd क्लास में किए। गांधी जी ने ज़िंदगी भर में सफ़र 3rd क्लास में किए थे। लॉर्ड विलिंगटन था, लॉर्ड विलिंगटन ने एक बार उसी वहाँ के लिए बद्धा को खबर भेजी कि आप फ़ौरन चले आइए, ये हवाई जहाज आ रहा है। उन्होंने कहा आप हवाई जहाज को ले आइए और हम अपने 3rd क्लास में डिब्बे में आएंगे। 3rd क्लास में डिब्बे में आए, कभी कोई मुसीबत आ गई होगी, भीड़ ज़्यादा हो गई होगी, किसी वक्त बैठ गए हों तो बात हम नहीं कह सकते, लेकिन वो हमारी गलती और गुनाह करी, ये हमारी गलती और गुनाह है। अगर हम थर्ड क्लास से ज़्यादा ऊँचे क्लास में चले, हम हमेशा थर्ड क्लास में चले, हमने हमेशा ये खादी पहनी है। आप हवाई जहाज़ में बैठे नहीं, एक बार देखा जरूर है अपने हवाई जहाज़। भावनगर से वहाँ तक वहीं तक भावनगर में एक सज्जन थे, उनका बेचारों का रेशम का थोड़ा सा काम था। वो यहाँ आए सबसे पहले हमारे यहाँ, और जयमन जी के घर में रहते थे, तो उन्होंने दीक्षा भिक्षा ली, दीक्षा दे दी। हमने 100 का दिया उन्होंने नोट, हमने कि अच्छा रहा 100 का नोट का इस्तेमाल करते हैं, क्या काम करेंगे। मंदी का ज़माना है, ये आज से मैं कोई आपसे कोई 35 वर्ष पुरानी घटना कह रहा हूँ। मंदी का ज़माना था, तो पुराने कपड़ों की पुरानी धोती वगैरह जो मांगने आते हैं लोग, जो बिक्री करने वाले, उसमें रुई भर के और सी करके बंडी बंडी कुर्ती बनाते थे, 2-2 रुपये को आती थी। तो उसको संग लेके गए, उससे 100 रुपये हमने लिए, 100 रुपये उसके थे भी रखे, 100 रुपये के वो लिए, वो क्या नाम है उसकी मंडी। तो हमने के लिए अब ये काम करो, 50 बंडी तुम अपने सिर पर रखो, 50 रखते हैं हम, रुई की बंडी 50 अपने सिर पर रखी और रुई की बंडी 50 उसके सिर पर रखी। 100 बंडियाँ रख कर के फिर वहाँ से ले गए, और वहाँ जो कोड़ी बैठे थे, अंधे बैठे थे, भिखारी बैठे थे, एक एक करके बांटते हुए चले गए। और जब तक घर आए तब तक 100 की 100 बंडी बांट दी। फिर तुम्हें कुछ मिला? हमें मिला इतना प्यार जो आप लोगों की ओर से, सब की ओर से बरसता है, सब की ओर से बरसता है। वो जो आपका विश्वास जो हम पर हमेशा बरसता है, ऐसा कहाँ। यहाँ हमारे लड़के की एक उस दिन था, उसकी नाक में बटन चला गया, निकाला तो वो नकौज ज़्यादा चला गया, आगे चला गया, दिमाग में आ गया। क्या हो, बड़ी परेशानी। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने उसके भीतर नाक में प्लास की बहुत छोटी सी उसकी नोक थी, प्लास डाल करके बटन को नीचे से निकाल तो आई, खून तो निकला काफ़ी, पर वो निकल गया बटन, कुछ हंसता नहीं। पैसे के संबंध में अगर कोई खाएगा कोई पैसा तो सड़ासी हमारी जेब में है, गले में डालेंगे और वहाँ से खींच लेंगे उसको, उसके पीछे से पेट में जान देंगे, पेट में नहीं जान सकते। किसी का दिया हुआ पैसा हमारे पेट में जा सकता है, जो कोई खाना चाहेगा पेट में खींच लेंगे, आंतों समेत खींच लेंगे उसको। कोई पैसा नहीं खा सकता, सुरक्षित है। यह आपका प्यार और यह आपका विश्वास हमारे लिए इतनी कीमती चीज़ है कि जो रुपयों से ज़्यादा है, सोने से ज़्यादा है, चांदी से ज़्यादा है, हीरे से ज़्यादा है। और आचार्य की तरीके से आपके टोपे में हीरे लगे होते थे तो आप बड़े आदमी ना, हम बड़े आदमी हैं क्योंकि हमारा जस्ट बड़ा है। आचार्य रजनीश के टोपे में बड़े लगे हुए हैं, है ना। तो मिट्टी को कुछ ऐसी है बैठे क्या, उसमें से जितने हीरे इसलिए निकलते हैं बाबा जी, सबके में से हीरे लग के निकलते हैं, हवाई जहाज में सफ़र करते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये एक बात तो ख़त्म करते हैं कि हम अगले 20 साल तक जिंदा रहेंगे, अगले 20 साल तक हमारा स्थूल शरीर जिंदा रहेगा। हम 24 लाख बच्चों को जिनको पालन किया है, इनके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम पूरी तरीके से निभाएंगे। इस जिम्मेदारी के निभाने में अगर कहीं कम पड़ा तो आप ये समझना कि इस आदमी पर सामर्थ्य ही नहीं बेचारे में। हमें पिताजी मैं पढ़ा दो, नहीं बेटा मैट्रिक तक पढ़ने के लायक गुंजाइश है हमारी, मैट्रिक तक पढ़ ले, तू आगे कर लेना अपना, ये समझना गुंजाइश नहीं थी। बेईमान मत ठहराना, ये मुसीबत के वक्त पर हमारी सहायता कर सकते थे और उन्होंने सहायता करने में किसी वजह से उपेक्षा दिखाई। जान पहचान कम है, घनिष्ठता कम है, इसलिए उपेक्षा दिखाई। घनिष्ठता तो हमारी से है, कोई भी ऐसा नहीं जिससे घनिष्ठता ना हो, घनिष्ठता से तो कम हमने सीखा ही नहीं है। इसलिए एक व्याख्यान तो आप लोगों के लिए है कि हमारे और आपके प्रति कर्तव्य जो है उसको हमने पहले भी निभाया था, फिर आपको याद दिला दी है। और याद इसलिए दिला दी है कि इस समय हमारी सामर्थ्य पहले की अपेक्षा कुछ ज़्यादा हो गई है, यह 2 वर्ष हम बैठे रहे तो हमने घास नहीं खो दी है, 2 वर्ष में हमने बेकार नहीं कमाया है। 2 वर्ष हमने ठीक इस्तेमाल किए, जैसे कि एक ब्राह्मण को करना चाहिए। ब्राह्मण को करना चाहिए। और ब्राह्मण के अंदर जो शक्ति होनी चाहिए, हमारे पास संत की शक्ति है। संत बनने में तो बहुत देर है, अभी संत बनने में तो कितने जन्म लग गए और अभी भी कितने जन्म लगेंगे। जब हम कबीर थे तो अभी हम ग्रस्त और संत बनाओगे बनेंगे। अब शायद अगले जन्म में कोई बन जाए तो बन जाए। इस जन्म में तो यही कुर्ता पहनेंगे, यही धोती पहनेंगे, माता जी भी यही धोती पहनेंगे, यही कुर्ता पहनेंगे और पत्नी सुबहती रहेंगी। इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप बड़े कैसे हो जाओगे? नहीं हो जाएंगे। गृहस्थी बड़े हो जाते हैं, गृहस्थी बड़े हो जाते हैं। 2 वर्ष में हमने कुछ खोया नहीं है, पाया है। खोया है, खोया नहीं है, पाया है। सब आदमी आप फले फूले हैं, सबको आपको फलाना फुलाना फलाना भी हमारा काम है, सबको आपको उठाना भी हमारा काम है। जो हमारा जो 2 वर्ष खर्च हुए हैं इसमें से 50% इसके लिए सुरक्षित रखा है, 50%। और इससे आगे तो लोगों से मिलेंगे जरूर। 8,000 रुपये किसी के पास होता है ना, कहना गुरु जी के पास फिर हम सुना है कि कोई एक आदमी जो कहता पता है कि गुरु जी के दर्शनों करता है जो 60,000 रुपये निकलता है। 8,000 किसी के पास हैं? कौन के पास है? 60,000। सब हाथ उठाओ, 60,000 हमारे पास। सब 60,000 रुपये लेकर के आ जाना और हमारे पाँव छूना। नहीं, 60,000 के बाद भी मिलेंगे तो सभी से मिलेंगे। काली कुत्ते से भी मिलेंगे, बच्चे से भी मिलेंगे। नहीं मिल रहा होगा तो नहीं मिलेंगे। इस तरीके से ये आती रही है बेचारी गुलू, क्या बार आती रही है मुंबई से। जब भी इसको आया है भागती हुई चली आई है। कभी कभी मिले तो से 2 वर्ष में आज तक हुए तो 8,000 रुपये तो तू कर लेना दर्शन, हमारे पर 60,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब हमारा खुला हुआ है रेट, जैसे सिनेमा का होता है ना रेट, बालकनी का रेट होता है। ऐसे गुरु जी के दर्शन का 60,000 रुपये रेट है। जो कोई रेट खुला हुआ रेट है, जो कोई दर्शन करे भविष्य में 8,000 रुपये ले। और जो कोई गुरु जी की संपत्ति का, इसमें पुण्य भी संपत्ति है हमारा, है ना? पुण्य संपत्ति है कि नहीं? केवल हमारे पास ये थोड़ी है कि ये कुर्ता ही संपत्ति है, टोपा ही संपत्ति है। नहीं, टोपा की भी संपत्ति है, कुर्ता भी संपत्ति है, धोती भी संपत्ति है, चप्पलें भी संपत्ति हैं, और हमारा पुण्य भी संपत्ति है। तो वो आप किसे दोगे? पुण्य को अपने जमाई को देंगे। भाई को कौन है? 3 तो बता दिए, 7 और कहीं घूम रहे होंगे, कहीं है क्या जमाई? उनमें कोई इनमें मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है कौन है। कहीं बैठा तो घसपा हुआ कोई ना कोई, है ना? 3 जमाई तो मेरी निगाह में थे, 7 जमाई हैं, 7 जीते। इसलिए 7 को तो मैंने अभी भी बनाया है। और जब मरोगे तब उस आदमी को दूंगा कि जो गांधी जी के तरीके से कि जो पैसा है, जो बेचारे 3rd क्लास में चलते थे, सरकंडे की कलम से लिखते थे, चटाई पर बैठ करके ज़मीन पर बैठते थे, मखमली के गलीचे पे चलते थे। नहीं, मखमली गलीचे पे बैठ सकते थे गांधी जी, लेकिन चटाई पर बैठते थे, सरकंडे की कलम से लिखते थे, गेहूँ बीनते थे। और उनके संबंधियों में थे, उनकी बहन विधवा हो गई थी। तो विधवा बहन ने ये कहा कि हमारे लिए कुछ पैसे का इंतजाम कर दो। तो उन्होंने कहा पैसे का इंतजाम ये कर देंगे कि तू और तेरी लड़की दोनों विधवा हो गई हो, तुम यहाँ आ जाओ और यहाँ साबरमती आश्रम में रहो। चक्की पीस करके उसमें से इतना गुजारा हो जाएगा जिससे कि तुम दोनों का गुजारा बस ये हो गया। हम गांधी जी के आश्रम में रहे, गांधी जी के आश्रम में रहे और आश्रम को रह छोड़ आए। न्यारा बना लिया? नहीं, न्यारा नहीं बनाया। ये भी गांधी जी का आश्रम है। हम भी गांधी जी का, अभी भी हम गांधी जी का काम करते हैं। यहाँ जब आप आए हैं, यहाँ जितने आदमी बैठे थे उतने ही यहाँ के BD BEd के MEd के जिला शिक्षा अधिकारी ये सब पढ़ने के लिए आते थे। और ऐसी भूल प्रशंसा करते गए हुए हैं कि हमने हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा देखा है, साईं बाबा देखा है, फलाना देखा है, ढिकाना देखा है, लेकिन हमने जगह देखी अगर एक ही व्यक्ति कहीं देखें तो यही देखें, उनकी वीडियो के टैप किए हुए रखे हैं। शिक्षा मंत्री से लेकर सब आया, और ये पढ़ाता कौन है? ये बच्चे पढ़ाते हैं, एक ये पढ़ाता है, एक वो पढ़ाता है, ये पढ़ाता है। और क्या कहते यह है कि ऐसे अध्यापक तो हमने कभी सुने ही नहीं। एक बार छोटी छोटी लड़कियाँ भेजी थी हमने, छोटी छोटी लड़कियाँ सारे हिंदुस्तान भर में भेजी थी। कोई हम में से एक आदमी ऐसे कह रहा था तो मुझे लग गई कि हम तो व्याख्यान देने वाले हैं। वक्ता में तेरी ऐसी ऐसी वक्ता लड़कियाँ चला सही, लड़कियाँ ऐसी माता जी ने बुला ली थी अनुष्ठान करने के लिए, पढ़ाने के लिए। कोई बेचारी क्या पढ़ रही थी, कोई नौवीं में पढ़ रही थी, कोई छठे में पढ़, सबको बुला ली। सब आगे में क्यों क्या बात है? मैं तुम्हें वक्ता बनाना, वक्ता, हाँ वक्ता ही बनाना, वक्ता बनाना है। दो गाड़ी तीन गाड़ियों का तो मैंने ऑर्डर दे दिया। क्या ही से तेरे यहाँ से तो गाड़ियाँ तीन गाड़ी आई, दो किराए पे ली थी। किराए पे ली थी तो उन्होंने भाषण देना शुरू किया, तो उन्होंने एक भाषण लखनऊ में सबसे पहले दिया, नहीं सबसे नहीं, घूमती हुई आई लखनऊ में व्याख्यान दिया। तो उसमें चन्ना रेड्डी भी शामिल थे, राजकुमारी वाजपेयी भी शामिल थे। तो राजकुमारी वाजपेयी तो चली गई पीछे, चन्ना रेड्डी गवर्नर थे यूपी के। उनने यहाँ के डीएम को टेलीफोन किया कि एक बात है, आप कहना मत किसी से। क्या कहें? हरिद्वार में शांतिकुंज है, है तो सही, हम जानते हैं पंडित जी को। तो एक निमंत्रण लिखी भेज दो, एक निमंत्रण हमारे नाम का लिखवा के भिजवा दो कि हमने क्या जाकर के हमारे यहाँ स्वागत के लिए आपको बुलाया है, हमारे यहाँ उद्घाटन है। मैं कायबात का उद्घाटन है, मकान हमारा बना हुआ रखा है, पढ़ने वाले जो पढ़ रहे हैं, रहने वाले गृहस्थी में रख रहे हैं, काय का उद्घाटन है, क्या आप लिख दो कि उद्घाटन है। उद्घाटन में चल जाना। चन्ना रेड्डी आए, उन्होंने कहा पंडित जी मैं सुनता आपका उद्घाटन करने आया, ना आपका व्याख्यान सुनने आया, ना आपकी पुस्तक लेने आया। मैंने तो लखनऊ में लड़कियों का व्याख्यान सुना था, तो मेरे मन में ये आया कि जहाँ ऐसी ऐसी लड़कियाँ हैं, क्या लड़कियाँ आपके पास, मैंने कि ये बैठी झुंड की झुंड, इनमें से आप किसी को बुला लो और फिर बुला लो। तो उन्होंने देखते रहे। जो उनने जिनका भाषण सुना था उनको तो बुलाया नहीं, किसी और लड़की को बुला लिया। खड़ी हो जाओ, फिर खड़ी होकर के बुला मैं कि 15 मिनट व्याख्यान तो देके सुना। 15 मिनट व्याख्यान देके सुनाया तो उन्होंने दंग कर दिया। उन्होंने कहा भाई मैंने जैसे सुना था वैसे ये अभी भी बेचारे की पार्लियामेंट के मेंबर हैं, चिट्ठी अक्सर आती रहती है उनकी। मैं आपका भूला नहीं हूँ, मैं आपको भूला नहीं हूँ, लेकिन हाँ आप भूले नहीं, बड़ी कृपा है आपकी, लेकिन हम तो अपने काम से लगे हुए हैं। यहाँ उनका शिक्षण करने का ये काम चल रहा है, यहाँ का भी काम चल रहा है, ये काम भी जारी रहेगा, वो काम भी जारी रहेगा। अब मैं आपको जो कर्तव्य करना, हाँ एक और कहना भूल गया कि अभी जो हमारे 24 लाख व्यक्ति हैं, उनके अलावा 500 करोड़ आदमी अलग रह जाते हैं। 24 लाख तो ऐसे हैं जैसे सिर में एक जुआ होता है, उतने होते हैं 24 लाख, और है 500 करोड़। तो 500 करोड़ व्यक्तियों की ओर से लड़ाई लड़नी है। लड़ाई, हाँ हम लड़ाई लड़ेंगे। किससे लड़ेंगे आप? स्टार बार के लिए कोई चैलेंजर भेजेगा, उससे सिर्फ टक्कर मारेंगे, जमीन पर गिरा देंगे, सारे जमीन पर गिरा देंगे। ये साहब कोई आपका विरोधी है, और हमने सुना है कोई आपकी बुराई अखबार में छपाएगा तो हम टक्कर मारेंगे और उसकी अकल ठिकाने कर देंगे। छब्बा गिरा जा, तो हम बताएंगे टक्कर के मारे टांग उल्टी करते हैं और जमीन नीचे कर। तो इसलिए टक्कर मारने की हमें ताकत है, टक्कर मारने की भी बड़ी ताकत है, टक्कर मारने की भी ताकत है। 500 आदमी की हिमायत में हम टक्कर मारने को भी तैयार हैं। टक्कर के कितने से मारेंगे हम? बड़े बड़ों से टक्कर मारेंगे, रेगन से टक्कर मारेंगे, करवा चौक से टक्कर मारेंगे, अमुक से टक्कर मारेंगे, अमुक से टक्कर मारेंगे, जो दुनिया को तहस नहस करने के लिए और दुनिया को जहरीली बनाने के लिए उनसे टक्कर मारेंगे। संपन्न आदमियों से टक्कर मांगेंगे क्या इनको बेटे और पोतों के लिए पैसा जमा करके रखे जाया जाते और किसी अच्छे काम में लगा दो ना। उनसे भी टक्कर मारेंगे, विद्वानों से टक्कर मारेंगे कि हमें कितनी हज़ार की नौकरी मिलती है, कितने की नौकरी। यहाँ भी टक्कर मारते रहते हैं, यहाँ तो रहते हैं जहाँ उसमें उसके शिक्षा विभाग के कोई इंस्पेक्टर है, कोई प्रिंसिपल है, क्या मिल रहा है? 450 मिल रहे हैं, 500 मिल रहे हैं। आदमी के भले आदमी हैं। विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर 50 रुपये में अपनी गृहस्थी का पालन करते थे और बाकी सारे का सारा विद्यार्थियों के लिए लगा देते थे। तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तो उनसे भी मारेंगे, संपन्न आदमियों से मारेंगे, विद्वानों से मारेंगे, धनवानों से मारेंगे, गुणवानों से मारेंगे, साहित्यकारों से टक्कर मारेंगे, लेखकों से टक्कर मारेंगे और ये कहेंगे कि ये हमारी दुनिया ऐसी अस्त-व्यस्त हो गई है, न इनको विचार करना आता है, न इनको चिंतन करना आता है, न इनको सोचना आता है, न इनको समझना आता है, न इनको खाना आता है, न इनको चलना आता है। बीड़ी पी रहे हैं तो कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, न इनको खाने का शौक है, न इनको कहवाद का शौक है, जाने टट्टी पे साफ कर जाते हैं, क्या धोती में डाल जाते हैं। खाने का तो है नहीं सब, कोई 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 मुसलमान मुर्गा खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, कोई क्या खा रहा है, कोई क्या खा रहा है। इनको खाना सिखाओ, इनको पीना सिखाओ, इनको चलना सिखाओ, इनको बोलना सिखाओ। बोलेगा तो ऐसी अकड़ के बोलेगा कि ये मालूम पड़ जाए कि यानी कि कहाँ का नवाब चला है। इस तरीके से जो ये है, ये अभी हमको जो 50% हमारा हिस्सा है वो उस काम के लिए सुरक्षित रखा है। इसके लिए कि हमको 24 लाख तो वो हैं जो हम पहने हुए हैं, तो साहब पहने के अलावा भी कुछ कपड़ा है हमारे पास। कुर्ते रखे हैं दो, कभी ये धुलता है तो सुखा देते हैं, धोती है एक धोती तो ये है, दो और धोती है हमारे पास। तो फिर ये क्या करोगे? ये 24 लाख के आदमी हैं, आप इन्हीं के गुरु हैं, इन्हीं के महंत हैं। हम किसी के गुरु नहीं हैं, हम किसी के महंत नहीं हैं, हम सब के चरणों की धूल हैं। न किसी के न गुरु बने और न किसी के बने, सबके चरणों के धूल है। कोई कहता है तक लगा दो, तक लगा देते हैं। तुम कहो सर पर लगा दे, सर पर लगा देते हैं। कहो कहो तुम्हारे पैरों पर लगा दें, पैरों पर लगा देंगे। क्या कहो कहोगे तुम्हारे से लगा देंगे, पर हम गुरु किसी के नहीं हैं, हम शिष्य हैं सबके। हम छोटे हैं, राई की नोक की बराबर है, तकिए की बराबर है, बणगे की बराबर है, मकड़ी की बराबर है, और वही रहेंगे हमेशा तक। इसलिए सारा विश्व जो हमारे लिए पड़ा हुआ है उसका भी हम ताना बाना बनते रहते हैं। तुम 24 लाख का भी ताना बाना बनते रहते हैं। और सारे विश्व में 500 करोड़ मनुष्य जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, दूसरी जगह में रहते हैं, उन सब के बारे में उनको बराबर ध्यान है और हम बराबर उनके लिए काम करेंगे। तो फिर तो अभी तो आप कह रहे थे कि सोमवती गंगा जी में उसके दिन शिवरात्रि को कुंभ में नहाओगे तो डुबकी मारोगे तो डूब जाएंगे, तो हम जिंदा रहेंगे। डुबकी मान लो कि यही हो जाए कि हम इसको प्रसन्न करने के लिए, इंसान ये लड़का कहे कि मुझे गद्दी में बैठा दो और जाकर के तुम पड़ो उसमें आई में गंगा जी में, चलो हमको ये भी मंजूर है, तुम गद्दी पर बैठ जाना और हम जाओगे फिर मरेंगे नहीं। ये शर्त हमको स्वीकार नहीं, मरने की शर्त स्वीकार नहीं। गंगा जी में डूबने की तो शर्त मंजूर है, पर कभी निकलने की भी शर्त मंजूर है, पर मरने की शर्त कोई मंजूर नहीं। बराबर हमको अभी काम करना है और ढेरों काम करना है, पहाड़ की बराबर काम करना है, इतना काम करना है कि असीम काम करने के लिए पड़ा हुआ। और समय कितना रह गया है? केवल युग संधि के 15 वर्ष लगे, इन 15 वर्षों में कितना सारा काम करना है। काम हमारे रोम में, नाखून में, बाल में, सब में काम भी भरा हुआ है, पड़ा है। भगवान की भक्ति भी भरी पड़ी है और काम भी भरा पड़ा है। काम और भगवान भक्ति को हमने दोनों को मिला दिया है। काम में भगवान की भक्ति मिला दी है, भगवान की भक्ति में काम मिला दिया है। काम में भगवान की भक्ति घुली हुई है और भगवान की भक्ति में हमारा काम घुला हुआ है। इसीलिए हम बहुत दिन तक रहेंगे और बहुत दिन तक काम करेंगे। अब दोबारा कब मिलोगे? अब दोबारा कब मिलेंगे? अब हम तो क्या अभी कुछ कह नहीं सकते। कब मिलेंगे? जब 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 जिसको समर्पण हमने किया हुआ है उसका कोई आज्ञा होगी तो हम फिर आपसे कोई मिल जाएंगे, फिर मिल जाएंगे, फिर बुला लेंगे। नहीं 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 मिल रहा होगा तो हम जहाँ बैठे रहेंगे। और आपको तो हमने बता दिया है कि मिलने का झंझट, वायरलेस तो कितना हमको आता है। वायरलेस की कीमत कितनी है जो बिकता है बाज़ार में? कितने का होता है वायरलेस? हैं 4,500 रुपये को आता है वायरलेस, और उसमें यहाँ से वहाँ तक बात कर सकते हैं। कितनी दूर बात कर सकते हैं? रेट की कितनी होती है? हैं 1 किलोमीटर की रेंज के लिए 4,000 रुपया खर्च करो। और तुम कहाँ के रहने वाले हो? हम तो वहाँ के रहने वाले हैं साहब, वहाँ के जयपुर के। तो अच्छा, तो फिर वहाँ से और यहाँ तक के बिछावा लाइन तक कितने में आवेगा? बाद में आवेगा। और फिर हमें को चाहिए तो ये तो बड़ा महंगा पड़ेगा। इसीलिए हमने सबसे सस्ता बता दिया है कि जब कभी भी आपको हमसे मिलना हो, बात करनी हो, तो अपना सांस खींचना, लंबी हवा निकालना, और लंबी हवा निकालने के बाद में बस ये निकालना कि हमारे जो विचार थे वो सब गए, हमारा व्यक्तित्व सब खाली हो गया। और सर पे हाथ फैलाना कि हमारे जो अपने विचार थे सब चले गए, सब हमने निकाल दिए, सब खाली कर दिए। फिर हमारे विचार आपके दिमाग में काम करना शुरू कर देंगे, आप परीक्षा कर लेना। रविवार के दिन हम खासतौर से इसका करते हैं इंतजाम, सवेरे का समय ज़्यादा अच्छा रहता है, आपको भिजवा मिल जाएगा, ना आपको लिफाफा लिखने की ज़रूरत है। 35 पैसे को लिफाफा आता है, 20 पैसे को पोस्ट कार्ड आता है, 55 पैसे को बंद लिफाफा आता है। क्यों बेकार खर्च करो, वहीं जो घर बैठ जाएगा, वहीं जवाब मिल जाएगा आपको। बात समाप्त हो गई। अच्छा चलिए, अब एक बात एक और रह गई है कि जहाँ हम अपने बच्चों के लिए सहायता की वचन देते हैं, वहाँ हम एक थोड़ा सा काम भी सुपुर्द करते हैं। आपको काम ही कराते हैं बच्चों को। माँ होती है, छोटी लड़की होती है, तभी कहती है दे कटोरी वाला वहाँ से ला उठा के, ये भारी मार रखा, वहाँ का ये काम करना। काम ही तो कराते हैं बच्चों को। काम करना नहीं सिखाएंगे और बिठाते रहेंगे, और काम करने के लिए जो कह देंगे कि काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ही कर लेंगे। अरे तू तो रहने, हम ही कर लेंगे। नहीं कर तो हम ही लेंगे, दूसरा काम कर लोगे। अब की बार एक संकल्प की आज्ञा हुई है हमको कि कैसे संकल्प की जो भी काम हमने किए हैं दुनिया में, वो ऐसे किए हैं कि जो अब तक न किसी ने किए, न कोई कर न किसी ने किए हैं अब तक, न कोई कर सकता है। अब की बार का संकल्प पढ़ लिया, 1 लाख यज्ञ करने का हमने निश्चय किया है। क्यों साहब, आप गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक दत्ती पर भी गलत हो सकती। तो फिर आपने कहा है कि हम गांव-गांव जाएंगे और पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार की बात से लेकर के और अपने विद्यालय से आएंगे, तो हम इसी विद्यालय में बैठे रहेंगे। ये लड़के के कितने हैं, 150 लड़कियाँ कुल हमारे पास यहाँ जा करके। और कार्यकर्ता कितने हैं? कार्यकर्ता 101 हैं जो गृहस्थी समेत रहते हैं, और ये 101 हैं, 250 आदमी होते, हम क्या कर लेंगे। इसीलिए क्या करना है कि 1 लाख कार्यकर्ता बनाने हैं, गाँव बनाने हैं। 7 लाख गांव हैं हिंदुस्तान में, और 1 लाख कार्यकर्ता बनाने हैं। जो कोई आया था, उसने दिए रुपये कुछ, माता जी ने किया कि बेटा तुम एक काम कर। हम कहे तो यूँ जाना है कम है, ये कलावे में लपेट करके तो अपनी पेटी में डाल देना, अपनी पेटी में डाल देना। 75 रुपया खत्म हो जाता है, तेरे घाटा पड़ जाए, तेरे पैसे खजाने में कमी आ जाए, तेरे में कुछ आ जाए तो ले गया बेचारा। पैसा कह रहा है कि मैंने कुछ कम पैसे दिए होंगे। अरे तुम ये कह रहा है तुम कम पैसा देंगे, एक कानी कौन दे कोई एक पैसा दे तो हम उसको छाती से लगा के रखें, सिर से लगा के रखें, कलेजे से बांध के रखें, पीठ पर रख के रखें, और उसका खर्चे के पैसे का ऐसा करें कि कोई आदमी ये नंगली उठाने का आवे कि ये कैसे खर्च कर डालिए, दान का पैसा ये कैसे खर्च हो रहा है। किसी ने ये कह दिया तो हमारा मरना हो जाएगा, झर खा करके हम मर जाएँ, वो ज़्यादा अच्छा। बजाय कि कोई और आदमी ये कह दे कि हमने कितनी मुसीबत से और कितनी दिक्कत से और कितनी कठिनाई से पैसा इकट्ठा किया था, और आप इस तरह से करते नहीं खर्च। नहीं बेटा, ऐसे नहीं होगा, सबने दे दिया था। जिसको दे दिया था, शक्तिपीठों को भी सबको दिया। शक्तिपीठों को 1-1 हज़ार रुपये यहाँ से दिया गया है, तुम्हारी शक्तिपीठ बनेगी, खूब ऐसी बनेगी, 4 लाख की बने तो क्या, 15 लाख की बने तो क्या, कितने की बने, पर बनाएगी जरूर, निश्चित रूप से बनेगी। और तुम्हारा रुपया न हो तो बना के दिखाओ, तुम हम जब मर गए, हमारी भी तो आँखें भी बनाने वाले, अरे बनाओ। इस तरीके से जो है मित्रों, वो काम तो पूरा हो गया, वो काम तो हमने कर लिया। बाहर का काम अभी हमको करना है, जिस काम के लिए हम बराबर अभी लगे हुए हैं। हमारे जिम्मे थोड़े से काम सपोर्ट किए गए हैं, जो पढ़ा हुआ होगा, आपने स्टार पढ़ लिया होगा, पर्चा पढ़ लिया होगा, और दिया भाई पर्चा नहीं बांटा। बस बांट दिया तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये काम हम करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। ये तो ऐसी स्कीम मालूम पड़ती है ये करोड़ों रुपए की है, तो क्या तुम क्या समझ लेते हो, करोड़ों से कम गिनना सीखा हमने कभी। हमें जब मास्टर ने हमने पढ़ाया था स्कूल में पट्टी और कलम और बद्ध का दिया था, तब कहा था कि बेटा गिनती पढ़ो, गिनती लाओ पढ़ें तो लिखो करोड़, लेगा पहले इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख ही नहीं, ये गिनती है पुराने जमाने की होगी। अब नए जमाने की गिनती में मैं करोड़ से, तुम्हारी गिनती हम करोड़ से दिखाते। तो जो ये हैं अभी हमारी यहाँ जो सवारियाँ आने वाली हैं, गाड़ियाँ आने वाली हैं, इससे का हुआ है यहाँ का वो बैठा हुआ ब्रजेंद्र बैठा कि इसको लिखा है कि भाई अब हमको गाड़ियों की जरूरत है, 100 गाड़ी चाहिए, हमारे पास 30 गाड़ी है, अभी 30 गाड़ी से 7 लाख गाँव और किस तरह संभालेंगे, 100 गाड़ियाँ चाहिए हमको, 100 गाड़ियाँ चाहिए। अभी खेती कर लोगे, अभी खेती कर लेंगे, थोड़ी खेती हो जाएगी। इस तरीके से वो सब आप ये मत करना कि क्या करना पड़ेगा हमको, ये इतना है तो गुरु जी करोड़ों रुपया इनको ये इस बात का पता चल गया कि ये सब 250 रुपया महीने की नौकरी कमाता है, तो कहेंगे कि सवाल से हमको दे जाए, हम कर लेंगे करोड़ों रुपया, हम कर लेंगे, चाहे करोड़ों का होगा तो कर लेंगे, अरबों का होगा तो कर लेंगे, खरबों का होगा तो कर लेंगे, जो भी होगा सब कर लेंगे, कोई भी काम ऐसा बचेगा नहीं कि जो न हो, सब काम पूरा हो जाएगा। तुमसे तो एक ही बात कहनी है उसमें कि भाई तुम समय निकाल देना, समझना कि बीमार हो गए थे, समझना कि कोई और मुसीबत आ गई थी, समझना था कोई एक्सीडेंट हो गया था, कोई और समझना कोई और बात हो गई थी, है ना। तो 4-5 पड़े रहते हैं कि नहीं पड़े रहते हैं, 4-5 पड़े रहते हैं, तो ऐसे समझना, थोड़ा समझ लेना हमको। आपका आपके समय की ज़रूरत है और किसी की ज़रूरत है, आपके पैसे की ज़रूरत है नहीं, पैसा तो मंगा लेना, तो पैसा तो भगवान के पास है, बहुत पैसा, बहुत दिमाग पैसा हमारे पास है ना, इतना पैसा है कि एक जमाई को 1-1 करोड़ रुपया दें तो अभी कम पड़ेगा, तो अभी कम पड़ेगा। सब चले बैठे जमाई 24 लाख जमाइयों को हम 1-1 करोड़ रुपया दें तो भी कम पड़ जाएगा, तो अभी ये पड़ेगा कि ये बच्चा है, इसका रुपये क्या होगा, रुपया खूब आ जाएगा, बहुत आ जाएगा, अंधा धुंधा आ जाएगा, जहाँ से आ जाएगा, बादल में से बरसेगा, छत में से गिरेगा, ज़मीन में से फटेगा और कहीं से भी आ जाएगा। लेकिन रुपये के लिए हम यकीन नहीं दिए कहीं, उस सारे पर्चे को पढ़ लीजिए, उसमें आपको कहीं भी दिखाई पड़े, उसमें सिर्फ आपको एक बात दिखाई पड़ेगी हमको, बस हमें समय चाहिए आपका। अगर आप समय निकाल सकें तो निकाल लेना, नहीं निकाल सकें तो कोई बात नहीं है, समय भी हम पैदा कर लेंगे, एक मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी के लड़के बिकते हैं बाजार में मिट्टी के स्वयं सेवक, मिट्टी के व्याख्यान देने वाले, मिट्टी के गायक, ऐसे बिकते हैं बाजार में मिट्टी के। तो ये कुम्हार रख लो तो बढ़ाता रहेगा, तो ये गाना देगा कि वक्ता है, ये गायक है, और ये फलाना है, और ये मोटर ड्राइवर है, ये तो हम सब बना लेंगे, ऐसे की कमी पड़ेगी नहीं। और हमारे जिम्मे तो वही काम छोड़ा है कि हमारा संकल्प है, बड़ा संकल्प है, ऐसा बड़ा संकल्प है जैसा कि अब तक किया नहीं। पहले ज़िंदगी भर के जो काम हैं वो 75 साल के काम तराजू के एक कोने पर रखिए, और ये 1 साल का जो अगले दिनों के लिए काम है उसको आप तराजू के दूसरे साल पर रखिए, ये दूसरी से 75 वर्ष के काम एक और ये 1 वर्ष का काम एक और, ये हम करना है, इसलिए हम आपको स्वयं मांग रहे थे और कुछ मांग। और कुछ कहें बस से बात क्या नहीं है, बस ज़्यादा कहने का आप नहीं है, बस अब आप हमको विदा कीजिए और पैर छूने का प्रणाम मत कीजिए, हम हाथ उठाए देते हैं, आप सब लोग जहाँ हैं वहीं से आप हाथ बैठे प्रणाम कर लीजिए।